गुड मॉर्निंग, हैप्पी रिपब्लिक डे। और अभी सुबह का 7:30 बज चुके हैं और मेरा हस्बैंड अभी घर में नहीं है, तो मैं थोड़ा जा रही हूँ मार्केट। मेरा बहन अभी आएगी तो उसको लेके मैं थोड़ा सा मार्केटिंग करना है। आज बनाऊंगी, आज संडे है और आज बनाऊंगी मटन बिरयानी और चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी मेरा बेटी के लिए और हम खाएंगे मटन बिरयानी, वो भी कुक करूंगी मिट्टी का हांडी में। तो चलिए गाइस, यहाँ की जो मार्केट, पूरा मार्केट तो मैं घुमा के नहीं दिखा सकती, देर हो जाएगा क्योंकि बेकरी में भी आंटी आ जाएंगे काम करने के लिए। तो बेकरी का काम है और आने के बाद घर का भी कुकिंग करना है, तो थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगी आपको। तो चलिए गाइस, फटाफट से मार्केटिंग करके आती हूँ। मार्केट से आ गई हूँ और मार्केट बहुत ज़्यादा भीड़ था आज, आज रिपब्लिक डे। और देखिए, मैं आने के बाद देख रही हूँ मेरा बेटा खुद खाएगी मैगी। मैगी ना चाहूँ मिंडू बाबा, मैगी 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 बना रहा है। देखिए कितना अच्छा है मेरा बेटा, खुद का काम खुद कर लेता है तो सीख जाएगा ना, करते करते सीख जाएगा। वो तो तेल दिए चित्रे बाबा, एक तो कम आंच कर ठीक है। हां আচ্ছা, একটু মটরশুঁটিটা একটু ভাজা হয়ে গেলে ফুলকপিটা দিয়ে দিবি। মশলা মশলা কি করেছে রান্নাঘর? মেরা যো গ্যাস চুলা হ্যায় ইসকা হালত খারাপ কর দিয়া। তুই বানিয়ে নে, তারপর আমি সাফ করবো আবার, ঠিক আছে? এটাকে এরকম রাখ, জলটা छुटी गिर गया है नीचे, उठा के फिर ऊपर दे दिया। और किचन का हालत खराब। हाँ चलिए गाइस, आज बहुत सारा भीड़ था, चिकन का दुकान में भी, मटन की दुकान में भी बहुत भीड़ था। और अभी मैं थोड़ा सा बेकरी में काम करूंगी, उसके बाद देर हो जाएगा आज कुक करने के लिए गाइस, क्योंकि आज अभी कितना बज रहा है, 9:30 बज चुके हैं। आज देर हो जाएगा, बेकरी का सब कुछ काम खत्म करके उसके बाद नहा के मैं आज कुकिंग करूंगी। ये देखिए अभी 2:30 बज चुके हैं और मैं अभी बेकरी में काम खत्म करके आई हूँ। और आज ये लोग को खाने के लिए चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी ये लोग खाएंगे। और खाने के लिए आज 5:30 बज जाएगा क्योंकि बेकरी में बहुत सारे काम था और पूरा 2:30 बज चुका है। देखिए तो इधर मैं सब कुछ रेडी करके, मटन धो के, चिकन धो के, सब कुछ रेडी करके, मसाला भी रेडी कर दिया, जिंजर गार्लिक और ये अनियन सब कुछ रेडी करके मैं बेकरी में था। इतना देर हो गया तो अभी फटाफट से कुकिंग स्टार्ट करती हूँ गाइस, बहुत देर हो गया। और आज मार्केट से इतना सारा सब्जी मैं खरीद करके लेके आई हूँ अकेले। और ये तेल की पैकेट, ये है मैदा, और ये बिरयानी के लिए चावल, सब कुछ। तो गाइस फटाफट से स्टार्ट करती हूँ, बहुत देर हो गया।
तो इधर पानी गर्म हो चुका है बिरयानी के चावल को मैं बॉईल करूंगी। और ये पानी में थोड़ा सा नमक और इसमें ऑयल दे दिया हूँ क्योंकि आज नया पैकेट लाई थी तो बोतल में डाल के रखी हूँ तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया था इसीलिए इसमें दे दिया हूँ ऑयल। और इसमें दे दूंगी तो इसमें अभी दे दूंगी ये है जायफल तो इसको मैं थोड़ा सा कद्दूकस कर लिया। और ये है इलायची और ये है दालचीनी और ये है साहा जीरा और ये है जावित्री और थोड़ा सा ग्रीन चिली इस तरह कट कर दिया और ये है पुदीना और धनिया पत्ता। अभी इसमें दे दूंगी ये चावल तो ये चावल को अच्छा से मैं धो लिया हूँ। तो अभी ये मटन में नमक और ऑनियन पोटैटो और ये सब थोड़ा थोड़ा करके चिकन के लिए रख दी हूँ और पुदीना पत्ता टोमेटो धनिया पत्ता और इसमें है जिंजर गार्लिक पेस्ट और जीरा पाउडर इसमें है गरम मसाला पाउडर लाल मिर्च पाउडर ये है हल्दी पाउडर इसको मैं हाथों में मैरिनेट कर लूंगी। तो ये ऑयल थोड़ा सा गरम कर लिया इसको अभी मैं इसमें मिलाऊंगी। और थोड़ा सा ऑयल ये चिकन में दे दूंगी अभी चिकन को मैरिनेट करूंगी और ये चिकन अकेला ही मेरा बेटी खाएगा और थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो मेरा बेटा खाएगा नहीं तो मेरा बेटी सब खाएगा। और इसमें ऑनियन पोटैटो सब मिक्स कर दिया और ये है जीरा और गरम मसाला पाउडर और इसमें हल्दी पाउडर और ये है पुदीना और धनिया पत्ता टोमेटो नमक गार्लिक जिंजर पेस्ट और ये गरम ऑयल इसको मैं अच्छा से मिक्स कर लूंगी। तो ये ऑयल गरम है इसीलिए मैं स्पून में कर रही हूँ नहीं तो हाथों में करती हूँ। ये हांडी बिरयानी के लिए ले लिया हूँ और ये हांडी के अंदर थोड़ा सा घी लगा दिया हूँ। देखिए घी लगा दिया इसके अंदर और ये ठंड का दिन में ना घी थोड़ा सा जमा हुआ है और ये कढ़ाई में इसमें चिकन बिरयानी बनाऊंगी तो इसमें भी थोड़ा सा घी लगा दिया। और गायस मैं भूल गया हूँ चिकन में थोड़ा सा लाल मिर्च देने के लिए तो अभी ऐड कर रही हूँ।
लाल मिर्च पाउडर, तो अभी इस चिकन को इस कढ़ाई में इस तरह दे देंगे। इसमें पानी नहीं दूंगी, तो थोड़ा सा दूंगी, इसको धो के थोड़ा सा पानी दे दूंगी। इस अभी इस हांडी में मटन को भी दे दूंगी। और इसमें भी ज्यादा पानी नहीं दूंगी, सिर्फ इसको धो के पानी दे दूंगी। तो इधर मटन होगा और इधर चिकन होगा, तो थोड़ा सा सिम करके बनाऊंगी इसको मैं। तो अभी देखिए चाय हो रहा है, क्योंकि लंच अभी भी नहीं हुआ है, तो ये लोग को इस तरह मैं पनिशमेंट दे रही हूँ, तो इसीलिए चाय बना के खा रहे हैं। लंच नहीं हुआ है, टिफिन के टाइम में टिफिन तो करना चाहिए ना, तो अभी 4 बज चुके हैं, तो 5:30-6 बज जाएगा खाने के लिए। अभी ये चिकन होगा, उसके बाद फिर चावल दूंगी, तो बिरयानी तो होने के लिए टाइम लगेगा ना। कल की तो खा, एक बार रात्रि खा भी। फोन रे, हेलो हेलो, हाँ हाँ कंप्यूटर का, हाँ क्लास 7। तो इधर चिकन हो गया है और मटन अभी भी नहीं हुआ है, मटन बॉयल होने के लिए थोड़ा तो टाइम लगता है, तो मेरा बेटे के लिए थोड़ा सा चिकन कोसा निकल लूंगी और थोड़ा सा बिरयानी बनाऊंगी। और इतना सुंदर खुशबू आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस चिकन में ये चावल को दे दूंगी इस तरह। इसके ऊपर थोड़ा सा अनियन ब्राउन ब्राउन करके मैं फ्राई करके रखी थी, और थोड़ा सा पुदीना और धनिया पत्ता। इसमें है दूध और थोड़ा सा फूड कलर में मिक्स किया हूँ, येलो कलर और केसर, तो पहले से मैं भिगो के रखी थी, और ये मटन बिरयानी में भी होगा और चिकन बिरयानी में भी होगा, तो ये दे दूंगी ऊपर। थोड़ा सा केवड़ा वाटर, मटन भी हो गया है, थोड़ा सा मटन कोसा निकल लूंगी, उसके बाद चावल दे देंगे। तो अभी इसमें चावल को दे दूंगी। के ऊपर
ये ऑनियन बरसता। अभी दे दूंगी ये दूध, केसर और फूड कलर मिक्स करके जो रखी थी वही दे दूंगी। थोड़ा सा केवड़ा वाटर। देखो दादाजी हमारे की अवस्था, हाँ जो ना हमारा वाह बेटा खेलो वाह। तो थोड़ा सा आटा गूंद लिया हूँ क्योंकि इसको कवर कर दूंगी। वीडियो में कोई भी शूट नहीं किया हो क्योंकि सबको भूख लग गया है और हांडी से बिरयानी को मैं एक बाउल में निकल लिया हूँ। तो इधर है मटन बिरयानी और ये मेरा बेटी का चिकन बिरयानी, तो अभी हम खाएंगे। और थोड़ा सा मिठाई है और इसमें है दही। तो ये मेरा बेटी का चिकन करी और हम खाएंगे मटन करी। तो अभी फटाफट से खाने दे देती हूँ क्योंकि सबका भूख लग गया है। कितना बजा है अभी? पूरा 5 बज गया है। चलिए गाइस खाते हैं, बहुत भूख लग गया है। और मटन बिरयानी और ये दोनों में भूख लग गया है बच्चे को। चलो चलो बाबा स्टार्ट कर, चलो आई बॉस, आए बाबा के डाक, बाबा के डाक। बेकरी का काम अभी खत्म हुआ है और पूरा दिन आज इतना काम किया हूँ। और कौन आया है देखिए, किस तरह सजा के उसको खाने के लिए दे दिया हूँ। देखिए मटन की बिरयानी अच्छा से देखिए, मटन की बिरयानी, मटन और ऑनियन, दही और मिठाई। तो देखिए आय मटन किरा कम है चले भला है बाबा, कैमोन है चे बाबा, बाबा कैमोन है चे बोल, हाँ बाबा बाबा देख देख बहुत बदमाश बच्चे भला है चे, भला है चे। अच्छा ठीक है। और चलिए गाइस आज का वीडियो अभी एंड करती हूँ क्योंकि अभी मैं मेरे बहन को छोड़ने के लिए जाऊंगी और मम्मी के साथ भी थोड़ा सा देखा के की बोले हिंदी ते मुलाकात मुलाकात करके आऊंगी मम्मी के साथ।
तो चले गाइस, आज का वीडियो अभी इतना ही। और गाइस, मटन बिरयानी बहुत अच्छा हुआ था, पोटैटो थोड़ा सा बहुत ज्यादा बॉयल हो गया था, तो पोटैटो हम लोग मटन के साथ खोज के भी नहीं पाए हैं हड़ी के भीतर अंदर। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो अभी एड करते हैं, तो आप लोगों को साथ एक नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो का कल फिर मेरा बेकरी में ट्रेनिंग है, और परसू सरस्वती पूजा कब हमरा करब, बुधवार ना मंगलवार, बुधवार ही करब हमरा। हाँ, तो मेरा घर में सरस्वती पूजा होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा हाउस को भी क्लीन करना है, घर का क्लीन करना है, इसीलिए दो दिन पहले, और थोड़ा सा घर को भी मुझे क्लीन करना है। तो ट्यूसडे को फिर वीडियो करूंगी, कल बहुत काम है मेरा। तो चलिए गाइस, बाय बाय, अभी गुड नाइट नहीं कर सकते हैं, बाय, गुड इवनिंग, बाय।